नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है, जहां एक और पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं सरकार के द्वारा देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का कई समाज सेवी नेता, अभिनेता, संगठन आदि इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब साधु संत भी सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। यहां बेड़ी पड़ाव स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े मंदिर अष्टादश भुजा माँ लक्ष्मी मंदिर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति जी महाराज ने क्षेत्र की जनता से सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, उसके लिए केंद्र व राज्य सरकार जो भी कदम उठा रही है वह जनहित में है, इसलिए सरकार के नियमों और उनके द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का सभी को पालन करना चाहिए, तभी इस महामारी से बचाव संभव है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो संतों की हत्या की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जब देश में डॉक्टरों के साथ अभद्रता और मारपीट करने वालों के लिए सरकार कानून बना सकती है, तो ऐसे में साधु संतों की हिफाजत के लिए भी सरकार को कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने साधुओं की हत्या की, उन्हें सख्ती से दंडित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का कानून पर विश्वास बने। आप देख रहे हैं लालकुए से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। सर्वप्रथम तो हम यह कहना चाहेंगे, यह जो कोरोना जो जैसे महामारी ये हमारे देश में जो फैला हुआ है, हम अपनी क्षेत्र की समस्त जनताओं से कहते हैं वह लॉकडाउन का पालन करें और सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, ताकि वह अपने घरों में सुरक्षित रहें और हमारे समाज में और जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित रहें, ताकि यह जो बीमारी फैली हुई है यह किसी को बता करके नहीं आती है कब किसके द्वारा संक्रमित हो जाएं। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए, और सरकार क्योंकि वह हम लोगों के भले के लिए कार्य कर रही है, इसलिए आप सहयोग सरकार का सहयोग दीजिए और उनके बताए हुए नियमों का पालन कीजिए। सर्वप्रथम तो हम ये पालघर में जो एक दुखद घटना हुई है हमारे जूना अखाड़े के महात्माओं के ऊपर, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं जिन लोगों ने ऐसे घृणित कार्य किए हैं उन्हें उचित से उचित और जल्द से जल्द सजा दें, ताकि जो लोगों का कानून पर विश्वास बना रहे और आगे आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी समुदाय इस प्रकार संतों पर आक्रमण ना कर सके। और अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो डॉक्टरों ने अपनी मांग रखी थी, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं उसके विषय में आप क्या करेंगे, उसका त्वरित प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया और एक नए कानून बना करके 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार हमारे जितने भी भारतवर्ष में संत महात्मा लोग हैं, उन पर अगर कोई ऐसा आक्रमण कोई समुदाय करता है, उनके द्वारा भी ऐसे कानून लाएं, ताकि उनको सामूहिक दंडित किया जाए और यह भीड़ का हवाला न दे करके व्यक्तिगत पहचान करें कौन व्यक्ति कितना इस कार्य के लिए निंदनीय है, और उसे तुरंत सजा दें और यह कानून जल्द बनाना चाहिए, ताकि यह जो संतों की नगरी है, यह जो भारत भूमि संतों का देश है, इससे हम सब लोग सुरक्षित रहें और नित्य प्रति धर्म के कार्यों में लगे रहें।